हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट और आज यहां से जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो है आपका आ, सीरीज आर एल सर्किट के साथ में तो सीरीज आर एल सर्किट यहां पर आप हेडिंग डालेंगे अब देखो वैसे यदि देखा जाए तो एनसीआरटी के अंदर में ये वाला पॉइंट तो अवेलेबल है नहीं लेकिन उन्होंने तो डायरेक्टली आर एल सी सर्किट दिया हुआ है तो आर एल सी सर्किट तक पहुंचने के लिए हम लोग आर एल सर्किट के एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और आर एल सी सर्किट तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश हम लोग अपनी साइड पे करेंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द आर एल सर्किट तो देखो हमारे पास में क्या है एक रजिस्टर है और एक हमारे पास में इंडक्टर है यहां पर हम लोगों ने एक इसे अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ में जोड़ दिया है ओके okay? सो so, मैंने लिख दिया ये है आर ये है एल और ये है आपके पास में वी ऑफ टी बराबर वी एम या वी नॉट साइन ओमेगा टी जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सो so, इस सर्किट में से बेटा यहां से एक करंट फ्लो होगा जो कि अल्टरनेटिंग करंट होगा क्योंकि सप्लाई अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा तो उसे मैं i ऑफ t से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं अब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा लेट से vr और इसके अक्रॉस जो होगा वो होगा आपका vl ठीक है vr और vl मैंने यहां पर ले लिए हैं नाउ व्हाट इज द सिचुएशन यदि मैं इसकी बात करता हूं तो देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई ऑफ टी करंट फ्लो होने वाला है वो मैं जानता हूं दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेकिन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी सी बातें करते हैं और वो बातें क्या है कि भाई मैं मान लेता हूं कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है क्या मान ले रहा हूं मैं आई है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर आई ऑफ टी से आई कैसे आ गया तो आई वो करंट है बेसिकली आई इज द आर एम एस करंट आई इज द वैल्यू ऑफ करंट और इस सप्लाई की जो आर एम एस वैल्यू है उसे मैं मान लेता हूं ठीक है तो इस वी के कारण यहां पर जो आर एम एस करंट आ रहा है वो आई आ रहा है और वी आर एम एस वोल्टेज ड्रॉप इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड क्रॉस रेजिस्टेंस इस प्रकार से हम लोग ले रहे हैं ओके okay, यदि मैं बात करता सिंपल बात कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि मुझे वोल्टेज ड्रॉप लिखना होता तो मैं लिख रहा होता कि भैया पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर तो मैं क्या लिख रहा होता मैं लिख रहा होता वी आर बराबर आई इन टू आर ठीक है ओके okay. ऐसे ही सिमिलर वे में मैं बोलता पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर तो मैं क्या लिख रहा होता जरा रिकॉल कीजिए प्रीवियस लेक्चर को तो मैं लिख रहा होता वीएल बराबर आई इन टू एक्सएल नो एक्सएल क्या है एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होती है कि भैया आपका एक्सएल बराबर होता है टू पाई एफ एल या आप इसे ओमेगा एल से जानते हो यही होता या नहीं होता तो आपने बोला सही बात है अब मैंने इन दोनों सर्किट को इंडिविजुअली इंडिविजुअली पढ़ा हुआ है मैंने रजिस्टर भी पढ़ा हुआ है और इंडिविजुअली मैंने इंडक्टर भी पढ़ा हुआ है तो उसका एनालिसिस मुझसे क्या कहता है उसका एनालिसिस मुझसे कहता है कि यदि अकेला रजिस्टर सर्किट में होता तो मैं कहता कि भैया देखो ये हमारा आई हो गया और यही हमारा v एक्रॉस r हो गया बोलो यस और नो सही बात है यदि मेरे पास सर्किट में अकेला इंडक्टर होता तो मैं कहता कि इंडक्टर में क्या होता है करंट लैक्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री करंट लैक्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री तो मेरे पास में सिचुएशन ऐसे आती कि ये मेरा Vl होता तो ये मेरा आई होता यस और नो अब इन दोनों को जरा मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूं क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं इसे आई एल यहां ले लू और इसे वी एल यहां ले लू बना सकता हूं बिल्कुल अब मैं चाहता क्या हूं कि एक इसका और इसका दोनों को कंबाइन करके कुछ नया बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे तो सोचिए इन दोनों में खास बात क्या है कि भैया देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो रिमेन सेम रिमेन सेम और यदि same, तो मतलब मुझे इसका यदि डायग्राम ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भैया आई तो यहां लेना पड़ेगा बराबर और इसी के ऊपर में मैं बात करूंगा कि मैं ले सकता हूं आपका वी और Vl को बेटा यहां पर जाना पड़ेगा यस और नो तो ऐसी सिचुएशन बनने पर मैं यहां पर एक टॉपिक की बात करता हूं कि यदि मैं सिर्फ वोल्टेजेस की बात करता हूं तो एक वोल्टेज ट्राइंगल मैं बनाने की कोशिश करता हूं तो मुझे यहां पर वी आर मिल रहा है और इस जगह पर मुझे वी एल मिल रहा है बोलो यस और नो अब ये क्या बन रहे हैं ये आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चलने चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट फेजर डायग्राम्स ये जो सारी चीजें बन रही हैं वो क्या बन रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेजर्स और फेजर क्या होता है एक तरह का वेक्टर होता है है फेजर क्या कुछ नहीं बात एक वेक्टर है तो इसका मतलब इज अ वैक्टर सो यदि ऐसा है तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट आप निकालोगे क्या वो रिजल्टेंट वी होगा बिल्कुल सही बात है तो अब आप जानते हैं आई कैन शिफ्ट द वैक्टर्स पैरल तो मैं वी एल को यहां पर शिफ्ट करके इस जगह पर ला सकता हूं बोलो यस और नो थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिए और यहां पर एक एंगल बन सकता है फाई। और इसको यदि मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा कि वी स्क्वायर बराबर वी आर प्लस का वी एल स्क्वेयर बोलो यस और चीजें समझ में आ रही हैं? मैंने क्या किया देखो पहले मैंने एक फेजर ड्रॉ किया रजिस्टर का अकेला फिर मैंने इंडक्टर का अकेला किया मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्यों किया क्योंकि मुझे एक ऐसा वो करंट यहां, यहां है लेकिन इन दोनों में एक बात मुझे पता है और आई एल तो सेम रहेंगे। क्यूं? सीरीज में जो फ्लो होने वाला करंट होता है वो हमेशा सेम रहता है मतलब वी चेंज हो सकते हैं भाई वी तो चेंज होता है कि नहीं होता यस वी चेंज होता है तो मैंने इसके लिए इन दोनों को ऐसे लेके आया कि भाई आई बनाया और आई के ऊपर वी आर और वीएल इधर बना दिए अब मैंने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेजेस वाली टर्मिनोलॉजीज को साइड में निकाल लिया तो मेरे पास में कुछ ऐसा बन गया कि वी स्क्वायर बराबर का वी आर इक्वेशन को थोड़ा सा उठा के साइड में लेके आता हूं तो मैं मैंने शायद यहां पर गलती करी है सॉरी बेटा गलती यह करी है कि मैंने रूट और लगा दिया है साथ में रूट नहीं आएगा वी स्क्वायर विल इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस का तो 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 मैं वापस लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं का किसी के मन में ये शंका है है कि ये कहां से लिखा है? तो देखो ये आपके है, तो को यहां shift किया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो पाइथागोरस वी आर स्क्वायर और ये आपका वीएल स्क्वायर और ये आपका ठीक v, v yes no? तो है मैंने इस बात को लिखा हुआ है इतना क्लियर हुआ अब यहां पर ये जो फाइ है बेसिकली ये क्या बतलाता है ये आपका फे, आ, फेज डिफरेंस के बारे में बतलाएगा। आगे चल के जरा अभी थोड़ी सी देर के लिए धैर्य रखिए मैंने मान लिया देखो यदि मैं बात करता हूं वी के बारे में तो मैं इसे लिख सकता हूं आई इंटू और इसका स्क्वेयर प्लस का इसे लिख सकता हूं आई इंटू और इसका स्क्वेयर बोलो यस और न तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है तो यहां पर यदि यह आप देखोगे तो i स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर और तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है और यहां पर चल रहा है आपका वी स्क्वायर तो देखो यहां पर वी स्क्वायर अपॉन आई कैन बी रिटर्न एज आर स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर सो इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग कुछ नाम देते हैं और वो नाम देते हैं जेड क्या नाम देते हैं जेड जेड किसको बोलेंगे v अपॉन i को मैं नाम दे रहा हूं z मतलब यहां आपके पास में ये बन रहा है जेड स्क्वायर जिसे लिखा जाएगा आर का स्क्वायर मतलब इन शॉर्ट आई कैन दैट इज सेक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और ये जेड क्या है बेसिकली ये है आपका इंपीडेंस इसे क्या नाम देंगे बेटा इंपीडेंस और इंपीडेंस का मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट देखो हम लोगों ने एक सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ा फिर हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा और फिर हम लोगों ने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिए जो मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं नोट के तौर पे कि भैया जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है आर वर्चुअल रजिस्टेंसेस आर वर्चुअल रजिस्टेंसिस सो एंड दूसरा जो है आपका जो रजिस्टेंस होता है वो आपका रियल रजिस्टेंस होता है सो so, इन दोनों के रियल रजिस्टेंस और वर्चुअल रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है इंपीडेंस मिलता है अब ये हायर लेवल की बात है बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है क्लियर हुई पॉइंट नेट रजिस्टेंस इन एसी सर्किट इज वॉट इंपीडेंस नेट इज़ व्हाट? इम ओके तो आपने बोला सर ये तो बहुत ही आसान सा काम है अब एक काम और कर दीजिए वो फाइव के बारे में, वो फाई कहां है? तो आप के फाई में क्या दिक्कत है लिखा जाएगा आई इन टू एक्स एल अपॉन आई इन टू आर बोलो यस और नो क्या मैं सही लिख रहा हूं सब कुछ बिल्कुल सो so, यहां पर देखिए आई से आई कट जाएगा तो फाइव का आंसर आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल की जगह ओमेगा एल अपॉन आर ये आपका फाइव का आंसर आ चुका है यस और नो श्योर हो गए ओके okay. तो ये तो था बेटा इसका एनालिसिस ये तो था इसका एनालिसिस अब यहां पर हम लोग कुछ और चीजों के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो वो चीजें हैं क्या कि इसकी वेवफॉर्म फॉर्म कैसे आएंगी क्या होगा उसको बस हम लोगों को देखना है वो कैसे देखो सिंपल सी बात है क्या बात है उसको देखिए फिर से ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूं आपकी खाते देखो ये आपका था बेटा आई इसी लाइन पर और इसी लाइन पर आपके पास में यहां पर ही था बेटा वी आर बोलो यस और, और यहीं पर मैं बना रहा हूं वी एल और यहीं पर आपके पास में है V और यहीं पर इसके बीच में है ये एंगल फाइ ठीक है ये फाइ जो है वो है बेसिकली एंगल बिटवीन V एंड I बोलो यस और नो phi क्या है बेसिकली एंगल बिटवीन V एंड I और इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फेज डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई को सर आपको कैसे पता लगा ये कॉमन सेंस लगा लेकिन हमें जो काम में आएगा वो फाई क्या रहेगा वी एंड आई का एंगल रहेगा जब मैं सवाल करवाऊंगा तब आपको पता और चलेगा अच्छे से ठीक है तो फाई क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई अब देखिए क्या हो रहा था कहानी को फिर से हम लोग वापस से लेके आते हैं कि जब प्योर सर्किट था प्योर रजिस्टिव सर्किट था तो आपने देखा था कि फेज डिफरेंस जीरो था वी और आई का प्योर इंडक्टिव जब था हमारे पास में तो फेज डिफरेंस था 90 डिग्री मतलब क्या था करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री लेकिन जब हम यहां पहुंचे हैं तो इस सर्किट में जो आर सर्किट है आर सर्किट में क्या हो रहा है फेज तो है बट ना तो वो जीरो है ना ही वो नाइनटी है बल्कि कहां रह गया जीरो और नाइन्टी के कारण देखो जीरो का इफेक्ट आएगा तो जीरो वाला चाहेगा कि जीरो रहे नाइनटी वाला चाहेगा कि नाइनटी रहे तो क्या होगी बार्गेनिंग ना तेरा ना मेरा तो ना तो नाइनटी बचा ना जीरो बचा जीरो से कुछ बढ़ेगा नाइनटी से कुछ कम आएगा और कुछ तो भी वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आ रही है कितनी बेटा टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल अपॉन आर ठीक है श्योर तो ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए टू यू और नॉट बोलो श्योर है okay. so ये हम क्या किया एनालिस ऑफ सीरीज आर एल सर्किट हम लोगों ने क्या किया है एनालिसिस ऑफ सीरीज आर एल सर्किट किया है अच्छा मुझे एक बात बताओ यदि मुझे आई आर एम एस की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं कैसे निकालूंगा तो भैया आपको आई आर एम एस की वैल्यू यदि चाहिए तो आपको वी आर एम एस अपॉन जेड निकालना पड़ेगा उस प्रकार से आप आई आर एम एस की वैल्यू निकाल पाओगे अपॉन जेड देखो अभी अभी है ना चलने दो इसको अभी थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर मत डालो इतना क्या चल रहा है थोड़ी देर तक आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बाउंसर बाउंसर से जा रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद समझिए एक आ, क्या है ना हम लोग आर एल सर्किट को पढ़ रहे तो आर और एल का इंडिविजुअल एनालिसिस मेरे दिमाग में होना चाहिए आर और एल का इंडिविजुअल एनालिसिस मेरे दिमाग में होना ही चाहिए तभी मैं इसको समझ पाऊंगा बेसिकली यदि मैं बात करता हूं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दिया रहेगा और सॉल्व कैसे करना है तो समझिए ये आपको R दिया रहेगा ये आपको एल गिवन रहेगा आर और एल गिवन रहेगा यहां पर आपके पास में एक ए सी सप्लाई गिवन होगी ये वी ऑफ टी बराबर का वी एम साइन ओमेगा या वी नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है ठीक है इतना सा डेटा गिवन है ठीक है तो देखो एक बात बताओ सिंपल सिंपल चीजें मैं पूछता हूं आप आंसर देते चलना पहला क्वेश्चन पहला पॉइंट है वोल्टेज वोल्टेज बताओ बताओ तो आप कैसे बताओगे सर जी तो वी नॉट डिवाइडेड डि बता सकते हो दूसरा सवाल है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल या फिर टू पाई एफ एल कहा से निकालोगे यहां से मिल जाएगा तीसरा सवाल है मेरे पास में इंपीडेंस बताओ सर जी

तो वी आर कैसे निकालोगे तो आपको निकालना है वी आर एम एस का बराबर वी आर आई आर एम एस इन टू आर छठवा पॉइंट है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर पूछ लिया जाए सर जी आपसे तो आई आर एम एस इन टू एक्स एल करना है एक्स एल ये सवाल पूछे जाएंगे और क्या पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है आपसे फेज डिफरेंस तो वो फाई आपको निकालने का तरीका मैं अभी आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से आपको निकालना है बोलो इन सवालों में कोई परेशानी है या नहीं है कई लोग बोलेंगे सर परेशानी तो है अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे हमारे पास में देखो लास्ट में जाके मैं सारी चीजों को शॉर्ट करूंगा अभी तो मैं इतना बता रहा हूं ना लास्ट में मैं और आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप्स को ध्यान रखना है क्या स्टेप्स आएंगे और उनको किस प्रकार से फॉलो करना है अभी तो बस आप इस पर फोकस करते चले जाइए और इनको देखते चले जाइए हालांकि जैसे आगे चल के मैं आपसे एक पॉइंट आएगा पावर फैक्टर पावर फैक्टर होता है कॉस ऑफ फाइ क्या होता है कॉस फाइ को पावर फैक्टर बोला जाता है को पावर फैक्टर बोला जाता है तो वो भी बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है क्यों निकाल लिया एक बार तो आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो निकाल सकते हो क्या कैसे फाइव बराबर यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्या कहीं ओके okay, ठीक है तो सातवें नंबर पे डाल लो बेटा फाई बराबर आप निकाल सकते हो ना टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर यस और नो आठवें पॉइंट पे पावर फैक्टर बराबर कॉस फाइव लो भाई कॉस फाइव के और भी बहुत सारे फॉर्मले आएंगे थोड़ी देर के बाद आएंगे लेकिन कब आएंगे थोड़ी सी देर के पश्चात आएंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं सर कौन सा ट्राइंगल मतलब अभी तो आपने सिर्फ वोल्टेज ट्राइंगल यही शब्द यूज किया है आगे चल के हमें एक दो ट्राइंगल और पढ़ने को मिलेंगे वो होगा इंपीडेंस ट्राइंगल और पावर ट्राइंगल डोंट वरी अबाउट अबाउट इट टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं तो इस वजह से आपको दिमाग में ऐसा लग सकता है कि सर कितनी सारी टर्मिनोलॉजीज है उनको हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे बिल्कुल नहीं डरना है बस क्या करना है रिमूवल की स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना रहेगा जब हम लोग आर सर्किट पढ़ लेंगे ठीक है चलो इतना ही है आरएल सर्किट में कई लोग इंतजार कर रहे होंगे सर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कराओ लेकिन नहीं बेटा पहले आपको आरएल सीरीज आरसी सर्किट को फिनिश करते हैं सीरीज आरसी सर्किट सीरीज आरसी सर्किट चलो क्या होगा हमारे पास यहां एक रजिस्टर यहां एक कैपेसिटर और इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक अल्टरनेटिंग सप्लाई से जिसकी वैल्यू वी ऑफ टी बराबर का टी यहां पर गिवन होगा ये आर होगा ये सी होगा ठीक है अब हम लोग कहानी की शुरुआत कैसे करेंगे मैंने मान लिया बेटा यहां का आर एम एस वोल्टेज वी है इसमें से एक आई आर एम एस का करंट जो आई फ्लो हो रहा है यहां पर वोल्टेज ड्रॉप वी आर है यहां पर वोल्टेज ड्रॉप वी सी है ठीक है अब फिर से कहानी को वहीं से शुरुआत करनी है जैसे हम लोगों ने पहले करी थी कैसे माना कि यदि सिर्फ और सिर्फ प्योर रजिस्टिव सर्किट होता तो आप कैसे करते आप बोलते सर जी ये रहा हमारा आई आर और ये रहा हमारा वी ठीक है कुछ ऐसा करते ओके इसके बाद में मैं बोलता कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट होता तो आप कहते थे कि सर जी आ, ये रहा हमारा V और ये रहा हमारा I तो ये आई सी और ये वी सी यहां वी आर लिख दो ठीक है फिर अगला स्टेप में क्या करना चाहता हूं मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा रोटेट करके मैं इसे इस फॉर्मेट में ला सकता हूं ये IC हो गया और ये वी सी हो गया बोलो अगला स्टेप में क्या करने वाला हूं आप दिमाग लगा लीजिए मैं क्या करूंगा इसको और इसको कंबाइन करूंगा क्यों ऐसा कर रहा हूं क्योंकि बेटा आई जो है वो आईसी के बराबर है आई आर इक्वल टू आई सी यस और नो जिसे मैं आई नाम दे रहा हूं यस yes no. और नो आई क्यूं? और आईसी इक्वल है क्यों क्योंकि ये सीरीज सर्किट और सीरीज सर्किट में करंट विल रिमेन सेम और करंट सेम होने के कारण अब मैं इसको जब नया बनाता हूं तो मेरे पास में कुछ सिचुएशन ऐसे आती है दिस इज माई आई दिस इज माई आई इस आई के ऊपर में मेरा है वी और वीसी की किर है बेटा वीसी है आपका नीचे वीसी कहां है नीचे है तो एक बात बताओ कि यहां पर यदि मैं देखूं वी और वीसी कुछ इस प्रकार से बन गए तो ये कुछ वेक्टर जैसा कहानी फिर से आ गया अच्छा एक बात बताओ क्या ये ऐसे आएगा वी सर जी कैसे आया अरे भाई देखो ना इस वीसी को यहां पर पैरल शिफ्ट कर लो वीसी को पार्लली यहां शिफ्ट कर लो ये वीसी शिफ्टिंग हो गई तो क्या ये वीआर और वीसी से ऐसा बनेगा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा बिल्कुल और क्या यहां पर ये फेज डिफरेंस फाइव बनेगा बिल्कुल तो आप कह सकते हैं वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल को उठा के नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बना देता हूं ये 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 बोलो यस और नो क्या हुआ ये है आपका वी आर ये है आपका वी सी और ये है आपका वी और ये है एंगल फाइव जो वोल्टेज ट्राइंगल कहलाता है क्यों वोल्टेज ट्राइंगल कहते पता है क्या सिर्फ वोल्टेज इसको रिप्रेजेंट किया है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखने के पश्चात क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता है कि वी आर सॉरी वी स्क्वायर बराबर का वी आर स्क्वा प्लस का वीसी स्क्वायर यस और नो आपने बोला सही बात है सर जी अच्छा वी आर को क्या लिख सकता हूं इसे लिख सकता हूं आई इंटू आर का स्क्वायर

तो बेटा हम लोग v अपॉन I को लिखने वाले होते हैं Z जिसे इंपीडेंस कहेंगे तो ये आएगा इट इंप्लाइज Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस का X C का स्क्वायर सो इट इंप्लाइज Z बराबर अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस का X C का स्क्वायर बोलो या नो आपने बोला बिल्कुल सही बात है कोई परेशानी कोई परेशानी अब एक पॉइंट और देखिए ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है, है या नहीं तो आपने बोला बिल्कुल सही है अच्छा यदि मैं यहां पर वेक्टर के हिसाब से सोचू और फाइव के बारे में बात करता हूं तो आप क्या लिखोगे टेन फाइव विल बी इक्वल्स टू क्या ये माइनस वी सी अपॉन वी आर होगा यस और नो सर माइनस क्यों आया अरे भैया वी सी नीचे है ना और मैंने क्या बोला फेजर क्या है एक तरह का वेक्टर तो इट शुड बी माइनस वी सी अपॉन वी आर यस और नो तो आपने बोला सही है चलो तो फाइ की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर यस और नो तो आपने बोला सही बात है सो यहां पर डेटा के तौर पे आएगा फाइव बराबर माइनस को मैं बाहर रख रहा हूं टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी अपॉन आर ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एंगल मेजरमेंट है एंगल मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज है जबकि जनरल एंगल मेजरमेंट हमारा एंटी क्लॉक वाइज होता है जबकि इसमें क्लॉक वाइज मेजरमेंट किया गया है वो इस चीज को रिप्रेजेंट यहां पर करता है बोलो समझ में आया सर ये समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है एग्जैक्टली exactly हमें ये नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली exactly आप कहना क्या चाहते हो और थोड़ी देर तसली रखिए तब आपको पता लगेगा कि हम एग्जैक्टली exactly कहना क्या चाहते हैं अभी तो क्या हो रहा है ना अभी तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजों को खींचे जा रहे हैं खत्म किए जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं खत्म किए जा रहे हैं मतलब बेसिकली कि इनको आ, क्या बोलते हैं क्या क्या चीजें पॉसिबल है, हैं उनको बस मैं यहां पर समझाने की अभी कोशिश मात्र कर रहा हूं ठीक है टर्मोलॉजी आएंगी आपके पास में सवाल कैसा बनेगा सवाल बहुत आसान रहेगा ठीक है चलो अब इसमें क्या दिया होगा और क्या सवाल बनेगा जरा उसको देख लेते हैं मैंने फेज डिफरेंस निकलवा दिया ना फाइव हाँ निकलवा दिया ओके okay, तो सवाल ऐसा रहेगा एक आर गिवन रहेगा एक सी गिवन रहेगा आर गिवन है सी गिवन है और आपको कुछ ऐसा वी ऑफ टी बराबर का वी नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है ठीक है जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं वो सब मैं बता रहा हूं पहला आर एम एस वोल्टेज फटाफट बताओ कितना आंसर आएगा फटाफट बताते का काम करो तो वी नॉट अपॉन रूट टू दूसरा सवाल इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप लिखोगे एक्स और वो आएगा वन अपॉन ओमेगा या फिर अपॉन पाई जैसा चाहो यूनिट ओम में आएगी तीसरा सवाल इंपीडेंस इंपीडेंस का मतलब यहां पर क्या होगा इंपीडेंस का मतलब है यहां पर Z से और Z विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर बोलो सही है क्या अगला स्टेप क्या पूछ सकता है और चौथे नंबर पे पूछ सकता है आपसे आर एम एस करंट तो उसे मैं लिखूंगा आई आर एम एस बराबर अपॉन जेड बोलो सारी चीजें हैं कि नहीं आपके पास में यस वहीं से करवा रहा हूं पांचवा और क्या पूछ सकता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर बोलो क्या निकालोगे तो आप लिखा, निकालोगे आई आर एम एस इन टू आर छठवा पॉइंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर तो आप लिखोगे आई आर एम एस इन टू एक्स सी यस चलो और क्या पूछ सकता हूं मैं यहां पर फेज डिफरेंस क्या पूछ सकता हूं फेज डिफरेंस बोलो क्या आएगा इसे हम लोग फाइव से डिनोट करेंगे माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी अपॉन आर ठीक है अब देखो यहां पर जो माइनस आ रहा है इसका मतलब यह है कि करंट लीड्स द वोल्टेज क्यों सर जी करंट लीड्स द वोल्टेज क्यों समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास मालूम है कि जब रजिस्टर का केस था अच्छा ये वाला डायग्राम इस बार बनवाया नहीं था कि मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं तो यहां देखो इसी लाइन इस लाइन पे नहीं हाँ देखो ये आपका क्या है करंट का वैल्यू है आई और ये आपका क्या है वोल्टेज है तो यदि वोल्टेज पीछे है मेरा यदि मेरा वोल्टेज पीछे है और करंट आगे है तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फाइव क्लियर यस और नो या उल्टा भी कह सकता हूं वोल्टेज लैक्स बिहाइंड द करंट लेकिन हमेशा याद रखना कि एक ही चीज से याद रखने की कोशिश करना या तो करंट को आप पहले बोलो या वोल्टेज को पहले बोलो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कैसे प्योर रजिस्टर सर्किट प्योर रजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज प्योर इंडक्टिव सर्किट प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा कि करंट लैक्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई नाइन्टी डिग्री प्योर कैपेसिटिव सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा करंट लीड्स द वोल्टेज बाई नाइन्टी डिग्री र एल सीरीज सर्किट करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर और आर सी सीरीज सर्किट तो यहां होगा करंट लीड्स द वोल्टेज इनवर्स अपॉन दर ठीक है ओके चलो इसके बाद में और क्या पूछा जा सकता है पावर फैक्टर पूछा जा सकता है जिसे हम लोग कॉस फाइव से नाम देंगे और कॉस फाइव विल भी इक्वल्स टू यहां से फाइव की वैल्यू रख के निकाला जा सकता है ठीक है तो इज इट क्लियर टू यू अब cos phi के साथ में हमेशा ध्यान रखना लीडिंग या लैगिंग लिखा जाता है तो यहां पे लीडिंग लिखा जाएगा क्यों क्योंकि करंट लीड्स द वोल्टेज तो ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा क्लियर चलो अब देखो यहां तक की कहानी पढ़ने के पश्चात हमारे पास में ये सारी बेसिक चीजें हो जाती हैं आरएल सर्किट और आरसी सर्किट अच्छा मैं एक बात बताऊं यहां पर पावर के बारे में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आने वाली है लेकिन उसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया एक तो आएगी एवरेज पावर या ट्रू पावर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अपर एंड पावर रिएक्टिव पावर, पावर एक्टिव पावर एक्टिव पावर एवरेज पावर या ट्रू पावर तीनों एक ही चीजें हैं वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फ फिर रिएक्टिव पावर आएगी वीआरएमएस आईआरएमएस साइन फ और फिर अपर पावर आएगी वी आर एम एस आई आर एम एस और सबकी यूनिट भी अलग अलग है इस बात को भी ध्यान रखना तो वो तो थोड़ा सा आगे चला गया लेकिन पता हो तो अच्छी बात है एंड नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट दैट इज सीरीज आर एल सी सर्किट सीरीज आर एल सी सर्किट सीरीज आर एल सी सर्किट में क्या होगा आपके पास एक रजिस्टर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होगा और यहां पर ये आपका ए सी सप्लाई वी ऑफ टी बराबर का वी नॉट साइन ओमेगा लगवा दिया ठीक है अब इसमें है 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 और ठीक कहानी को शुरुआत करनी है मैंने मान लिया यहां का आर एम एस वोल्टेज वी है अभी के लिए और यहां पर करंट आई है यह मैं मानते हुए चलता हूं शुरुआत में हालांकि मुझे डायरेक्ट वी आर एम एस और आई आर एम एस लिखना चाहिए था लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम लोग नीचे RMS लिखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में और फिर मान लिया, ठीक है? चलो कहानी की शुरुआत कैसे होगी फिर से वही एनालिसिस से होगी तो प्योर रजिस्टिव बोलो प्योर रजिस्टिव मतलब आपका आएगा आई आए, और आपका आएगा वी आर तो मैं आई आर वी आर फिर प्योर इंडक्टिव तो आपके पास में आएगा वी एल और ये आपके पास में आएगा आई एल एक काम करता हूं मैं अब ऐसे नहीं लिखता हूं अब मैं पहले से ही समझदारी भरा निर्णय लेता हूं कि भैया मैंने ले लिया ये वाला आई एल और ये वाला है वी एल अगले में आ जाओ तो फिर मेरे पास में आएगा आई सी और ये आएगा वी सी ठीक है अलग अलग रजिस्टिव इंडक्टिव और कैपेसिटिव यदि ये तीनों अलग अलग सर्किट होते तो क्या मेरे पास ये होती। देख लो आई आर वी आर आई एंड करंट, करंट लैग्स द वोल्टेज बाई नाइंटी डिग्री प्योर कैपेसिटिव करंट द वोल्टेज बाई नाइंटी डिग्री यस और नो आपने बोला सही है अब अगला टारगेट बोलो मेरा क्या है वॉट इज द नेक्स्ट टारगेट तो नेक्स्ट टारगेट है कि मैं इनको मिक्स करूं बोलो नेक्स्ट मिक्स करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आई आर आई एल और आईसी क्योंकि देखिए ये आपका आई आर आई एल और आईसी क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो आई आर बीवल टू आई सी और जिसे मैं अभी आई ले रहा हूं यस और नो तो मतलब मेरे पास में यहां पर कहीं मतलब मेरे पास में यहां पर कहीं आई होगा यस और नो अब जरा देखते हैं और चीजों को तो वी आर तो बेटा मेरा इसी लाइन पर कहीं यहां होगा और वी एल मेरा इस लाइन पर यहां होगा और वी सी मेरा इस लाइन पर यहां होगा क्या यह बात सही है बिल्कुल अब इनका यदि आपको रिजल्टेंट निकालना है तो एक बात सोचिए कैसे डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल पाएंगे क्या डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यदि मेरे पास में इसको रिजल्टेंट के फॉर्मेट में डालना है और मैंने बोला ये एक वेक्टर है तो आप या तो इसको ऐसे लिख सकते हो कैसे कि ये इतना सा बच गया और ये आपके पास में वी आर बच गया और ये आपका मैग्नीट्यूड वाइज ठीक है वीएल का मैगनीट्यूड वीसी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है या फिर आप इसे ऐसे ला सकते हो कि भैया ये वी आर हो जाए और ये आपके पास में VC minus VL बच जाए, मतलब Vc का जो मैग्नीट्यूड है वो VL के मैग्नीट्यूड से बड़ा है बोलो क्या ये दो सिचुएशन आपके दिमाग में आई थी पहले यस और नो अब अब ये वी आर बन गया और ये VL माइनस वी सी बन गया तो ये आपका वी वी बन जाएगा ये वी आर है ये Vc माइनस वीएल है तो ये आपके पास में नीचे की तरफ वी बन जाएगा बोलो ध्यान yes सुनना no. लिखा है 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 कई बार क्या होता ना मेरा C और L एक जैसा दिखने लगता है. तो सी कटोरी जैसा एल थोड़ा क्लियर श्योर sure है या तो ये सिचुएशन होगी या फिर यह सिचुएशन होगी मुझे कैसे पता लगेगा तो वो तो आप डेटा कैलकुलेट करोगे तब आपको पता लगेगा बिना डेटा कैलकुलेट किए कुछ कर सकते हो क्या कुछ भी नहीं कर सकते तो हम इन दोनों को साथ में रखते हैं तो एक बात समझ में आती है मुझे वो क्या है कि भैया यदि मैंने ऐसे किया है ये वी आर और ये मेरा वी एल माइनस का वी सी तो बेटा मेरा ये आपका वी बनने वाला है यस yes और no? और ये मेरा आएगा तो सोचो यहां पर भी क्या होगा कि ये आपका शिफ्टिंग करोगे मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा सा छोटा बन गया तो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं बाकी आपको इसे आगे ले जाना चाहिए कायदे से ओके तो मैं लिख सकता हूं वी बराबर का वी आर का स्क्वेयर प्लस का vl minus vc का स्क्वायर बोलो यस औरनु आपने बोला बिल्कुल सही है ओके सो इट इंप्लाइज v स्क्वायर बराबर v की जगह आपने लिख दिया i into r का स्क्वायर प्लस i into xl minus i into xc का स्क्वायर i कॉमन निकल सकता है तो v स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर बराबर z स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर सो आई कैन से दैट जेड विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर ये वाला स्टेप समझ में आएगा. मैंने क्या किया

सर जी ये ठहरा मेरा वी आर और ये ठहरा मेरा वी सी माइनस का वी एल और इनके बीच में से कहीं ये रिजल्टेंट वी निकालता था और मैं कहता था कि भैया ये आपने पैरल शिफ्ट कर दिया वी सी माइनस वी एल को और यहां पर आपके पास में ये फाइव बचता था बोलो सही है अच्छा यहां पर भी आपको जो स्टेप फॉलो करनी होती थी वो होती थी वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस का वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर आंखें खोल के देखना वीसी माइनस वी एल का स्क्वायर है गलती से ऐसे मत कर देना वीसी स्क्वायर माइनस वीएल स्क्वायर सब रायता फैल जाएगा ओके ओके आगे बढ़ो तो इट एम्प्लाइज वी स्क्वायर बराबर आई इन टू आर का स्क्वायर क्यों वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस अब क्या आएगा आई इंटू एक्स सी माइनस आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर बोलो अगला प्यारा सा स्टेप आई कॉमन आएगा आई आई स्क्वायर 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 वी अपॉन लिखोगे पहले जिसे आप जेड स्क्वायर लिखोगे और ये जेड स्क्वायर कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस का एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर सो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए रूट ऑफ आर स्क्वेर प्लस का एक्सी माइनस एल का होल स्क्वायर बोलो सही है क्या सर ये दोनों आंसर तो अलग अलग आ गए जरा बुद्धि के घोड़ों को दौड़ाइए थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दीजिए एक बात बताओ यदि मैं आपसे बोलता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और मैं बोलता हूं बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब मान के चलो होल तो में से तीन गए दो बचे दो थ्री माइनस फाइव का होल स्क्त माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कितना आएगा? वो भी प्लस फोर ही आएगा तो आंसर विल बी सेम मतलब इसे लिखा जा सकता है इट एम्प्लाइज बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्स सी माइनस एल का स्क्वायर, यस और यदि दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहां पर जो है, से बड़ा है और यहां पर इंडक्टिव बिहेवियर मतलब देखने को मिलेगा मतलब इंडक्टर क्या रहेगा डॉमिनेंट रहेगा और यहां पर आपको कैपेसिटिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है मतलब कैपेसिटर यहां पर डॉमिनेंट और यदि ऐसा हो रहा है तो यहां पर जो है तो देखो इसी लाइन पर आपका हम्म इसी लाइन पर आपका करंट है और देखो ये वोल्टेज है तो यहां पर क्या हो रहा है इस वाली सिचुएशन में करंट जो है वो लैग्स कर रहा है करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बोलो यस और यहां पर देखोगे तो देखो वी आर पर ही आपका आई है और ये आपका वी है तो यहां पर क्या हो रहा है कि इस वाले केस में करंट जो है लीड कर रहा है करंट लीड्स द वोल्टेज ये फर्क है फर्क समझ में आया यहां पर करंट लीड कर रहा है और यहां पर करंट लैग कर रहा है तो देखो बिल्कुल वही बात है इंडक्टर डोमिनेंट होते ही करंट को पीछे ही रहना है और कैपेसिटर डोमिनेंट होते ही करंट को आगे बढ़ जाना है बात समझ में आ रही है आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ये था पूरी कहानी अब इसमें आगे बढ़ते हैं और अरे हाँ फिर से देखते हैं क्या कर सकते हैं हम हमारे पास में क्या गिवन होगा आर एल और सी और यहां से हमारे पास में ये लगा दी मैंने सप्लाई आर एल सी और वी ऑफ टी बराबर का वी नॉट साइन ओमेगा टी ये गिवन है ऐसा मानते हुए सवाल चल रहा है क्या पूछेगा पहला सवाल आर एम एस वोल्टेज फटाफट बताओ तो आप बोलोगे आर एम एस वोल्टेज रूट टू ये सवाल है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इन सवालों में दूसरा है इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे आप लिखोगे एक्सएल और ये आएगा बेटा ओमेगा इंटू एल या फिर बोलो टू पाई एफ एल यूनिट रहेगी ओम तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे एक्स सी से डिनोट करोगे वन अपॉन ओमेगा सी या फिर वन अपॉन टू पाई एफ सी बोलो कर सकते हैं यूनिट क्या रहेगी ओम रहेगी अगला स्टेप और क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन अहम इंपीडेंस बोलो इंपीडेंस जिसे आप जेड से डिनोट करोगे और ये आएगा आर स्क्वेयर प्लस का एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। अगला पूछो क्या पूछेगा आर एम एस करंट पूछेगा बता दो फटाफट से इसे आप लिखोगे आई आर एम एस दैट विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड छठवा सवाल क्या पूछ सकता है फेज डिफरेंस बोलो क्या लिखना है तो फेज डिफरेंस को लिखेंगे फाइव और ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ अब मैं डायरेक्ट लिख दू क्या वी एल माइनस वी सी अपॉन आर और और देखो अब यहां पर ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं टेन इनवर्स वीएल माइनस वी सी अपॉन आर और यहां पर वीएल की जगह आई इन टू एक्स एल वीसी की जगह आई इन एक्स एक्सी और आर लिखूंगा तो फाइ का एक और आंसर हो सकता है वो आएगा बेटा टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर अब यहां पर ध्यान रख यदि फाइव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो यहां पर होगा लैगिंग और फाइ की वैल्यू नेगेटिव आ गई ऐसा रखने पर तो आएगा करंट लीडिंग समझ में आया मैं वी एल माइनस वी सी को इंडक्टिव को डोमिनेंट मारते हुए कर रहा हूं तो अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा VL -VC ही करो और खुश रहो लैगिंग करंट करते हुए यदि गलती से आंसर यहां नेगेटिव आ गया मतलब आपको चेंज कर देना है और आपको उसे इस फॉर्मेट में लेके आ जाना है अगला स्टेप सातवां पूछेगा आपसे पावर फैक्टर जो आपका कॉस ऑफ फाइ हो जाएगा ये मेनली सवाल है जो यहां पूछे जा सकते हैं बस एक चीज रह गई और वो है बेटा आपकी और क्या रह गया है आपके पास में पावर रह गई है अब इस पावर को यदि मैं खत्म करना चाहता हूं। तो देखो एक बात तो ये है कि मैं इसका पावर का डेरिवेशन करूं पावर दूसरा तरीका स्ट्रेट सीधा -सीधा, फॉरवर्ड आपको कुछ चीजें बता दूं ताकि वो आपके दिमाग में परमानेंट छप जाए बोलो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है तो बेटा आपका तरीका वो वाला ज्यादा अच्छा है जिसमें हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे कोई विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं होने वाला है तो इसी में हम लोग कर रहे हैं पॉइंट नंबर आठ से और वो है बेटा सबसे पहले आती है इंस्टेंटेनियस पावर ठीक है इंस्टेंटेनियस पावर तो उसे लिखा जाएगा पी ऑफ टी बराबर का वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी पी ऑफ टी बराबर वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी इंस्टेंटेनियस पावर नाइन अच्छा तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे यहां पे कई लोगों के मन में सवाल हो रहा होगा तो वो भी बता सकता हूं मैं कैसे आपने आई आर एम एस निकाल लिया आई आर एम एस से आई नॉट निकाल लो और आई नॉट कॉस सॉरी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अब प्लस फाइव में वो एंगल डालना है लैगिंग या लीडिंग वाला ठीक है ओके okay. ना आता है देखो यहां पर पूछा जाता है एवरेज पावर या एक्टिव पावर एक और वर्ड था और ट्रू पावर ठीक है तो जनरली लिखते समय पी एवरेज लिखना है और ये आएगा आपका वी आर एम एस एन टू आई आर एम एस एन टू कॉस फाइव आई आर एम एस कॉस फाइव दसवा एवरेज एक्टिव ट्रू और इसकी जो यूनिट है बेटा ध्यान रखना ये है आपकी वेट है ना ओके दसवा सवाल है एक्टिव के बाद में रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर ये क्या होती है इसे लिखा जाता है पी रिएक्टिव इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस और बेटा साइन फाइ इसकी यूनिट होती है वी ए आर यूनिट क्या होती है वी ए आर विच स्टैंड फॉर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर ठीक है अगला ग्यारहवें नंबर पे अपरेंट पावर मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या ओके इसको बेटा आर से भी डिनोट करते हैं और अपरेंट पावर को डिनोट करेंगे एस से और ये एस बराबर आएगा वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस और इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी बेटा वोल्ट एम्पियर कितनी यूनिट आएगी वोल्ट एम्पियर जिसे आप वी ए से डिनोट करेंगे ठीक है यूनिट का फर्क है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है और ये वोल्ट एम्पियर ठीक है बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने मैंने आपको बताया है कि जो रजिस्टर uh, है वो तो आपका ट्रू रजिस्टेंस होता है लेकिन द रजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाई द इंडक्टर और कैपेसिटर इज नॉट द ट्रू रजिस्टेंस बट इट इज द वर्चुअल रजिस्टेंस और ये जो वर्चुअल रजिस्टेंस है उसके कारण ये सारे यहां पर चेंजेस यहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं क्या ये बात समझ में आ रही है और इसी बेसिस पर सारी कहानी यहां पर चल रही होती है क्लियर ओके हम्म अब इसी में आपसे और दो तीन चीजें और रह गई हैं उनको भी देख लो वो क्या है ग्यारह नंबर चल रहा होगा आई थिंक सो वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रजिस्टर मतलब वी और ये आएगा बेटा आई आर एम आर बारहवीं नंबर का सवाल है वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर इसे वी लिखेंगे और ये आएगा बेटा आपके पास में आई आर और थर्टीन नंबर का वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर और इसे वी लिखा जाएगा और ये आएगा आई आर एम एस इन टू एक्स ठीक है अब आप मैं उम्मीद करता हूं आपने ये तेरह की तेरह स्टेप तेरह हुए कि हुए मेरे को अच्छा फोर्टीन हो गए चलो कोई बात नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने चौदह स्टेप जो हैं ये वो सब लिखे हैं ठीक है थीके? अब सवालों के पैटर्न को सुनिए अब इससे सुनिए सब कुछ कहानी इसी से समझ में आएगी वो क्या है आपके पास में आर एल सी सर्किट दिया है या उसमें से किसी एक कंपोनेंट को गायब कर लिया है ठीक है और यह आपके पास में दे रखिए बराबर टी आपको दिया है तो या तो आपको यह इस फॉर्मेट में देगा या फिर ऐसे देगा इसी जगह लिख के देगा वी वोल्ट और 50 हर्ट्ज जनरली गिवन होता है यह एक और तरीका होता है सवाल पूछने का तो इसमें यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये जब वी वोल्ट लिख के देता है वो आर एम एस सप्लाई होती है कौन सी होती है आर एम एस सप्लाई और बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जो एफ होती है और इसकी यूनिट बेटा हर्ट्ज होती है मतलब कैसे तो भी करके वो आपको आर एम एस वोल्टेज देने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अपने 11, 12 के 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 लेवल लेवल पे देखो मैं आपसे क्वेश्चंस ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। तो या तो वो डायरेक्ट ऐसे लिख के देगा v of T बराबर v not sin omega T. यदि ऐसा नहीं दिया तो दो सौ बीस वोल्ट सप्लाई फिफ्टी हर्ट टू रजिस्टर मतलब क्या है इसका मतलब है कि उसने आपको आर एम एस वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली क्या दे रखी है बेटा दे दे रखी है और और फिर देगा 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 इतना वो minimum देगा और RLC तो देगा ही देगा। तो ही से आप देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस गायब है ठीक है गायब होने तो, तो, तो बराबर गा, निकाल लोगे फिर आप आगे बढ़ोगे और impedance की तरफ बढ़ना है अगला स्टेप सुनिए दिस इज दौर वे टू द क्वेश्चन बट क्वेश्चन लेकिन क्या हम लोगों को एग्जाम में इतने लंबा सवाल आएगा बिल्कुल नहीं आएगा आपको क्या होगा ना इसमें से बीच में से किसी स्टेप से रिलेट करते हुए सवाल आएगा और बीच में से किसी स्टेप से रिलेटेड सवाल आएगा मतलब आपको इनपे फोकस करना है क्या? तो माइनस एक्सी का स्क्वायर तो मतलब तो प्लस हो गया तो आरसी की तरफ अपने आप चला जाएगा आर एम एस है तो आपको यहां पर यह कहानी मिल जाएगी

लैग कर रहा है मतलब इंडक्टिव सर्किट है और लीड कर रहा है तो कैपेसिटिव सर्किट है फिर इंस्टेंटेनियस पावर तो बेटा ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा क्यों वोल्टेज की एक इक्वेशन और करंट की एक इक्वेशन सर करंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये तो आपने नहीं सिखाया चलो मैं उसको भी सिखा दूंगा जस्ट दो मिनट दो मिनट और इंतजार कर लीजिए एवरेज एक्टिव या ट्रू तीनों में से कोई भी पावर यदि आपसे पूछी है तो इसका मतलब आपको वीआरएमएस आई आर एम एस और कॉस्फाई चाहिए यूनिट वैट लिखनी है रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर यार आर ही होती है ना मैं बार बार इसमें ऐसा लग रहा है मेरे को क्यू होती है पी क्यू एस होता है देख क्यू कर लो क्यू ही होगी रिकॉल करने कोई बात नहीं सिंपल बात है पी रिएक्टिव मान लो यूनिट से काम पता लग जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव होती है और इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियम्पियर रिएक्टिव होती है और अपर पावर वी आर एम एस आई आर एम एस बस इतना वोल्ट एम्पियर होती है बोलो कोई भी पावर आपसे निकलवा कर सकते हो प्रॉब्लम बस आती है इंस्टेंट इन पावर में क्योंकि वहाँ पे आपको सोल्व करना होता है आगे, drop, अब ये दे कहीं पर आपको अक्रॉस रजिस्टर दिया हुआ है अक्रॉस रजिस्टर दिया हुआ है तो आपके पास में समझ लीजिए आई आर एम एस या आर एम एस आई आर एम एस सीधा मिल जाएगा तो सवाल को किसी भी वे में चलने दो आपको वहां पर डरना नहीं है आपको वहां पर डरना नहीं है ठीक है यस और नो तो आपने बोला सही बात है अच्छा पावर फैक्टर निकालने का अभी आपको जो तरीका मालूम है पावर फैक्टर का वो है सिर्फ और सिर्फ कॉस फाइ ठीक है और कॉस फाई में आगे चल के हम लोग कुछ वैसे सॉल्व किए थे लेकिन उसको सोचिए थोड़ा सा सोचिए और दिमाग पे जोर डाल के बताइए क्या हम लोग कॉस फाइ को किसी और तरीके से भी निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते कैसे रिकॉल कीजिए ये आपका ट्राइंगल था चलो यहीं ले लेता हूं ये आपके ट्राइंगल में यहां पर आई था यहां पर वी आर था यहां आपके पास में वी एल माइनस का वी सी था और इसी ट्राइंगल पर ये आपका क्या था वी था और ये वाला एंगल फाइव था बोलो यस और नो तो अब आप सोचिए यदि मुझे पावर फैक्टर का मतलब cos phi है तो cos phi का मतलब क्या हो गया एडजास्ट अपॉन मतलब, मतलब क्या मैं वी आर अपॉन वी लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं और यदि मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड बोलो यस yes no. और नो और आई से आई काट लीजिए तो यार आपके पास में पावर फैक्टर कॉस फाइव का एक और फॉर्मूला बन जाता है आर बाई जेड तो एक बात समझ यदि क्वेश्चन में पावर फैक्टर दिया है तो वहां से आर और जेड में कुछ ना कुछ रिलेशन भी हमेशा आपको तैयार मिल सकता है सो ये है आपकी कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है यस और नो क्या ये वाले पॉइंट में कोई परेशानी है आपको अब सवाल उठता है कि इसमें जो सवाल आएंगे उन सवालों को हम लोगों को कैसे डील करना है किस प्रकार से हम लोग इन सवालों के बारे में सोच सकते हैं किस प्रकार के सवाल आपको कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं यही बस आपको देखना है और सोचना है हम्म यही है ना इससे ज्यादा कुछ है क्या इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है अब हमारे पास में मेन पॉइंट आता है कि भैया सवाल आपको किस प्रकार से दिया है लैंग्वेज में दिया है या फिर डायग्राम बना के दिया है उससे कोई डरने की बात है कोई डरने की बात नहीं है बस आप देखिए क्या क्या चीजें पॉसिबल है और क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं है जैसे एक सवाल करते हैं हम लोग हमारे देखो इस सवाल देखो इसलिए आपके नीट के पेपर में इतने लेंदी सवाल नहीं दिए जाते हैं लेकिन एक्चुअली में अल्टरनेटिंग करंट के सवाल काफी लेंदी होते हैं यहां पर हमारे पास में एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है ये है आपका ग्यारह ओम का और ये है आपका थर्टी फाइव मिली हेनरी का और बोला गया है सवाल में कुछ ऐसे 220 वोल्ट और 50 हर्ड सप्लाई दी गई है बाकी सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है ये डायग्राम दिया है ठीक है और पूछा गया आरएमएस वोल्टेज बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर बताओ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बताओ क्या बहुत सारी चीजें यहां पर पूछी जा सकती है और आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते बस इतना समझ लीजिए तो आप कर सकते हैं सबसे पहले आप लिखेंगे वी आर एम एस देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपको खुद से सॉल्व करना है दो सौ बीस वोल्ट अगला स्टेप बोलो उसके बाद क्या निकालते हो आप आर एम एस के बाद में आप इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरफ जाते हो तो एक्स एल बराबर होता है टू पाई एफ एल तो टू इन थ्री पॉइंट वन फोर इन फिफ्टी और इन एल एल है आपका थर्टी फाइव मिली हेनरी मतलब टेन पावर माइनस का थ्री और इसको सोल्व करोगे तो हमेशा ध्यान रखना बेटा ये वाला डेटा आपका थ्री वन फोर बनेगा इन थर्टी फाइव और इंटू टेन टू द पावर माइनस का थ्री ये आंसर आ जाएगा बोलो यस और नो आपने बोला सही बात है ना इसके बाद में आपको चाहिए Z तो Z आएगा आपके पास में आर स्कोर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर कई लोग बोल रहे होंगे सर आप इसे करते तो कितना अच्छा होता था तो चलो एक काम करते मैं छोटी सी कोशिश करता हूं एक्सएल के लिए थ्री वन फोर इन टू थर्टी फाइव तो पैंतीस सत्तर एक सौ चालीस पैंतीस और चार उनतालीस उनचास नौ चार पैंतीस सत्तर एक सौ पांच चार एक सौ नौ और टेन टू द पावर माइनस थ्री मतलब टेन पॉइंट नाइन नाइन जीरो मतलब ये एक्सएल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11 ओम आ रही है क्या यस और नो अब इसको उठा के यहां पे डालेंगे तो Z बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ R मतलब 11 का स्क्वायर प्लस का इलावन का स्क्वायर मतलब यू विल गेट इलावन रूट टू ओम दैट इज द वैल्यू ऑफ Z आगे बोलो फटाफट से और क्या निकाल सकते हो Z के बाद में आई आर एम एस तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड तो ये आएगा टू टू जीरो सॉल्व करो जरा तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने लें रूट टू और रूट टू नीचे तो 11 टू जै ट्वेंटी टू ये खत्म दस तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है टेन रूट टू आई आर एम एस कितना आ रहा है टेन रूट टू आ रहा है अब आगे क्या चाहिए होता है आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर तो वी आर का वैल्यू आएगा बेटा आई इन टू आर मतलब टेन रूट टू इन टू एन तो you will be writing 110 root 2, बोलो मैं आपसे सवाल में पूछता हूँ वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर तो ये आएगा बेटा आई इंटू एक्सएल तो आई आपका है यहाँ पर टेन रूट टू और एक्सएल भी उतना ही है लगभग तो आपके पास में आंसर आएगा एक सौ दस रूट टू अच्छा एक काम करो जरा एक सो दस रूट टू का स्क्वायर करो प्लस का एक सो दस रूट टू का स्क्वायर करो और पूरे का रूट लो जरा तो देखो एक सौ दस का स्क्वायर तो आएगा आपके पास में कॉमन रूट टू का स्क्वायर करोगे तो आएगा दो प्लस का दो बराबर है और ये पूरे का रूट तो अंडर रूट में आएगा एक सौ दस का स्क्वायर इंटू दो का स्क्वायर रूट लेके बाहर निकालोगे 220 ये क्यों करवाया ताकि आपको पता रहे कहीं आप वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर को डायरेक्टली मत ऐड कर देना नहीं तो कई लोग तो सर ये एक आया ये एक आया मतलब दो सौ आ गया है ना हो सकता है मैं जानता हूं कई लोग हैं अच्छा पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर से पहले फाइव निकालो तो फाइव आएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल अपॉन आर जाहिर सी बात है यहां पर कितना आएगा टेन इन एक्स एल मतलब इलेवन और ये भी इलेवन मतलब फाइव का आंसर आएगा पाई बाई फोर फोर्टी फाइव डिग्री बोलो यस और नो अच्छा पावर फैक्टर की तरफ चलना है हम लोगों को तो पावर फैक्टर आएगा कॉस फाइन मतलब कॉस पाई बाई फोर कॉस पैतालीस वन बाई रूट टू या फिर जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन और यहां पर होता है क्या लैगिंग बोलो कर सकते हैं क्या दिक्कत होगी इन सवालों में इन सवालों में बेसिकली देखो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीजें है नहीं बस आपको क्या है थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है थोड़े से सवालों को यदि आप ध्यान पूर्वक देखते हो तो आप इजीली इन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हो यह है आपका सीरीज आरएलसी सर्किट से रिलेटेड टॉपिक बेसिकली देखा जाए तो आपके एन में आपको पैरल आर एल नहीं दिए गए हैं लेकिन एकाध जगह आपको कहीं सवाल देखने को मिल जाए तो आप उसे स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अलग अलग देखो स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग स्टेट बोर्ड में कई कई जगह पे पैरल आर एल सी सर्किट वगैरह दिए हुए हैं लेकिन एनसीआर टी में ये सब चीजें नहीं दी गई हैं अब यहां पर हमारे पास में अब देखो एक छोटी सी पॉइंट को थोड़ा सा मैं आगे पढ़ा देता हूं और वो है आपका देखो आ, उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंट सर्किट कहते हैं बेसिकली क्या कहते, है? रेजोनेंट कहते हैं रेजोनेंट सर्किट कहते हैं रेजोनेट सर्किट होता क्या है रेजोनेंस जो हमें मिलता है जो हमें पढ़ना है वो है आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट सीरीज रेजोनेंस सर्किट श्रेणी अनुनादी परिपथ यह कहता है कि जब आपका फाइ बराबर जीरो हो जाए मतलब यदि फेज डिफरेंस यदि आपके पास में जीरो हो जाए मतलब वी एल बराबर वी सी हो जाए तो Vl बराबर वी सी हो जाता है तो हमारे पास में क्या आता है कि आई एल बराबर सॉरी आई एल बराबर बोल रहा हूं मैं XL will be equals to XC, है ना तो नहीं समझ नहीं में आया देखो मैं फिर से बोलता हूं इसको दो, इसको छोड़िए हटाइए इसको हटाइए मैंने बोला कि सीरीज आर एल सी सर्किट की जब हम लोग बात करते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट तो ये क्या होता है जब आपका फाइव बराबर जीरो होता है मतलब फेज डिफरेंस जीरो होता है तब हमें जो सर्किट मिलता है उसे कहते हैं आपका

या तो रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट होना पड़ेगा या एक्सएल माइनस एक्सी को जीरो होना पड़ेगा रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट होना आपको पॉसिबल लगता है क्या कोई ऐसा सोच रहा है नहीं तो इसका मतलब एक्स एल माइनस एक्सी विल बी इक्वल टू जीरो तो आपके पास में एक्स एल विल बी इक्वल टू एक्स सो एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल और एक्सी को लिखा जा सकता है वन ओमेगा सी तो यहां से देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है वन अपॉन एल सी ओमेगा को इधर भेजा एल को इधर भेजा तो यहां पर आपको ओमेगा बराबर मिल जाता है अपॉन अंडर रूट ऑफ हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसको और थोड़ा सा आगे ले जाता हूं तो ओमेगा का मतलब होता है बेटा टू पाई एफ सो दियर फोर आई कैन से दैट टू पाई एफ बराबर वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ एल सी तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसका फॉर्मूला आ जाएगा वन अपॉन टू पाई अंडर द रूट ऑफ एलसी जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की खास बात क्या है इस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपने देखा था कि एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो या फिर एक्सएल बराबर एक्ससी जो भी है है ना तो इसका मतलब यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए जेड बराबर क्या होता था आपके पास में आर प्लस का एक्सएल माइनस का होल स्क्वायर तो आप क्या पाते हैं कि ये वाली टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई क्यों एक्सएल माइनस एक्स जीरो हो गया, तो विल बी इक्वल टू जेड मिनिमम और वो वैल्यू आती है आर के तो एट रेजोनेंस जेड जो है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखो एक बात ध्यान रखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं क्यों एक्सएल बराबर टू पाई एफ और एक्सी बराबर वन अपॉन टू पाई एफ तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं लेकिन जब आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है सीरीज आरएलसी सर्किट में तो एक्सएल बराबर एक्सी होने के कारण इंपीडेंस जो है वो क्या हो जाता है इंपीडेंस इज मिनिमम इंपीडेंस क्या हो जाता है मिनिमम और एक और बात मुझे बताइए यदि इंपीडेंस मिनिमम है तो आप जानते हैं आई आर एम एस जो होता है वो बेटा वी आर एम एस अपॉन जेड होता है तो यहां पर देख के बताइए यदि ये जेड यदि मेरा जेड टेंस टू जेड मिनिमम हो जाएगा तो जो आई आर एम एस है वो टेंस टू आई मैक्सिमम हो जाएगा यस और नो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी यस और नो यदि आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं सेक्शन को तो आप इसको एक अल्टरनेट वे में ऐसे देख सकते हैं कैसे कि आई बराबर वी बाई जेड हो जाएगा और यदि मैं बोलता हूं जेड में यदि मेरा जेड टेंस टू जेड मिनिमम होने पर आपका आई टेंस टू आई मैक्सिमम हो जाएगा मतलब एट रेजोनेंस रेजोनेंस की सिचुएशन पर क्या कह रहा हूं मैं रेजोनेंस की सिचुएशन पर इंपीडेंस इज मिनिम इम्पीडेंस इज मिनिम एंड करंट इज मैक्सिम करंट इज मैक्सिम रेजोनेस की सिचुएशन पर क्या हो रहा है इंपीडेंस आपका मिनिमम आ रहा है और करंट आपका क्या रहा maximum आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है यस और नो सो दैट इज द स्टोरी और इस में हम लोग क्या करते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बनाते हैं और वो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है यहां आई है यहां ओमेगा या फिर एफ जो भी बनाना चाहो यहां पर आई बनाते हैं और ये ऐसा एक ग्राफ हमें देखने को मिलता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट या फिर एफ बराबर एफ नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपके पास में क्या हो रहा है करंट जो है वो आपका मैक्सिमम आ रहा है और R. V चुका है तो इस बात को ध्यान रखना नोटिस नोटिस करते हुए चलना जो मैंने वर्ड बोले हैं क्यों एग्जाम में हो सकता है कि बोल दे किसी सीरीज आर एल सी सर्किट में करंट इज मैक्सिम इसका मतलब क्या हो रहा है सर्किट कैसा है कैसा है रेजोनेंट सर्किट है या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एक ही बात है वीएल बराबर वीसी करवाई थी अभी मैंने यस और नो क्या ये बातें आपके जहन में रहेंगी या भूल जाओगे सो so, इस प्रकार से आपके पास में ये रेजोनेंट सर्किट वाली कहानी खत्म हो जाती है गेटिंग और नॉट श्योर हालांकि आप देखो इसमें कुछ और चीजें होती है वो होती है हाफ वे बैंडविड्थ वगैरह से रिलेटेड अब यदि ओवरऑल यदि देखा जाए तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जा सकती है लेकिन वो आपके सिलेबस के काम की नहीं है जैसे आ, क्या बोलते है? हैं बैंड बैंडवेयर निकलवाते हैं हाफ पावर पॉइंट होते हैं ये सारी चीजें होती हैं उनसे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ठीक है आपको उनसे ज्यादा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है आ, आपके काम की ये चीजें हो चुकी हैं अब यदि देखा जाए इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है बस आपके पास में बचा है ट्रांसफॉर्मर और एलसी ऑसिलेशन छोटा सा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर ज्यादा डिटेल में कुछ है नहीं उसमें और एक पॉइंट और रह जाता है उसे कहते हैं क्यू फैक्टर तो क्यू फैक्टर भी खत्म कर लेते चलो तो क्यू फैक्टर क्वेश्चन नहीं है क्यू फैक्टर अगेन मैं बता दूं इस पर डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है बेसिकली इसका जो एक फॉर्मुला होता है क्यू फैक्टर का Q बराबर होता है अपॉन अंडर रूट ऑफ ये फैक्टर फैक्टर या क्वालिटी हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर जो है वो रेजोनेंट कर्व की शार्पनेस को बतलाता है क्या करता है रेजोनेंट कर्व की शार्पनेस को बताने के लिए इस क्वालिटी फैक्टर का हम लोगों को यूज करना होता है यस और दो सीधा-सीधा, आपको formula इसको याद रखना है। बाकी इसमें कोई ऐसा है नहीं नहीं। कि कि बहुत ज़्यादा में हम लोगों को इसको पढ़ना हो कि ये आएगा, वो आएगा वो एक बात ध्यान competitive exam के point of view से इसमें और ज्यादा इससे कुछ भी नहीं है एक आधा पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें डिस्कस कर चुके होंगे ठीक है अब इसको ग्राफ पे यदि हम लोग बात करते हैं मान के चलो इसमें दो तीन ग्राफ बना दिए तो एक ग्राफ ऐसे दे दिया एक ग्राफ मेरे पास में ऐसे दे दिया इन दो ग्राफ को कंपेयर करना है तो भैया देखो इसमें क्या होगा लो रेजिस्टेंस होगा और लार्ज क्यू आएगा ठीक है और यदि मैं इस वाले ग्राफ को कंपेयर करता हूं ग्राफ नंबर टू को तो इसमें क्या हो जाएगा हाई आर आ जाएगा एंड लो क्यू आएगा हाई आर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी लो रहेगी बस इतना सा कंपैरिजन वाला पॉइंट होता है ठीक है श्योर सो so, इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी लगभग इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या कर लिया है ऑलमोस्ट बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्मर बचा है और एलसी ऑसिलेशन एलसी ऑसिलेशन कोई ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है अंडरस्टैंड understand... अंडरस्टैंडिंग से है दस मिनट उसमें एक्सप्लेनेशन में लगेंगे ट्रांसफॉर्मर पंद्रह उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक बात याद रखना सीरीज सी सर्किट के बाद में जो स्टेप्स स्टेप्स बताए थे उन पे दो बार तीन बार तीन उनको पढ़िए लाइन से और एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली exactly क्या वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क आई यू गेटिंग माई पॉइंट यस और नो सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे सो so, इसी के साथ में क्या करते हैं हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान सो so, तब तक के लिए